मित्रों नमस्कार। कुछ मित्रों के डिमांड के ऊपर मैं आपके सामने एक जादू लेके आया हूं और वो है विदेशी जादूगरों का प्रसिद्ध जादू मोबाइल के अंदर से रुमाल निकालना। चलो एक बार फिर दिखाता हूं, ये मेरे पास मोबाइल है, ये रुमाल, मैंने रुमाल को इसके अंदर से निकाला और अब देखिए ये रुमाल अब निकलता जा रहा है। खतरनाक जादू, फटा भी नहीं मोबाइल। मोबाइल तो वैसे ही है तो ये अंदर से निकल। अब ये जादू कैसे हुआ, इसका क्या रहस्य है, क्या सामग्री है, ये बताएं। उससे पहले वही सदा वाली दो बात, सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा, घंटी वाला बटन भी दबा दिया होगा, शेयर तो आप करेंगे ही, कमेंट की तो मुझे कहने की जरूरत है ही नहीं। अच्छा गुरु जी, अली अहमद जी है फैसलाबाद पाकिस्तान से। हाँ जी, उन्होंने आपको वहाँ से सलाम भेजा है। सलाम उनको। और वो आपके सभी जादू देखते हैं और वहाँ करते हैं। अच्छा। दोस्तों के बीच में और वाह भाई लूटते हैं। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा है, पूछा एक सवाल। हाँ। कि एक वो रस्सी होता है टोकरी में से निकलता है, फिर उस रस्सी वो डंडा बन जाता है, फिर उसके ऊपर एक बच्चा चढ़ जाता है। हाँ। फिर वो बच्चा उतर जाता है तो फिर रस्सी वापस टोकरे में गिर जाती है, तो वो उसका रहस्य वो जानना चाहते हैं। उसके बारे में और भी कई मित्र इस जादू का रहस्य जानना चाहते हैं। ये भारतीय जादूगर मुकुंद जादूगर ये दिखाता है, भारत का बहुत पुराना जादू है ये, उसने इस जादू को जीवित किया है। ये जादू जरूर दिखाऊंगा लेकिन अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, कल जो आपने वीडियो एक अपलोड किए थे उसमें वो डायनमो वाला ताश का जो जादू था, उसमें वो गांव का एक दुकान का बोर्ड भी आया है, तो उसके ऊपर ये दो अपने मित्र हैं और सेनी कंबोज और आल सोर्स अवेलेबल, तो उन्होंने वो चिंता जाहिर की है कि आप लोगों को इतने जादूगर की धमकी आ रही है, आप अपना एड्रेस छुपा के रखिए, हो सकता है कोई जादूगर आप पे हमला करवा दे। और आल सोर्स अवेलेबल ने जिन्हें तो यहाँ तक कहा है कि हो सकता है कि बड़े जादूगर आपको मरवा भी सकते हैं। तो ऐसा कहते कि मरने से क्या करना, मौत है वो ईश्वर के हाथ में है। हाँ, निमित कोई भी हो सकता है, वो भी ईश्वर निमित करता है। यदि ईश्वर ने इनको निमित कर दिया और मरवा दिया तो श्रद्धांजलि तो बंधुआ आप देंगे ही, और बाकी शमशान भूमि में पहले से लकड़े गए हुए हैं, बूढ़ा आदमी हूं, यदि चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। और ठीक है, तो अब हम इस जादू के रहस्य पर आते हैं। मित्रों, इस जादू के लिए ये एक मूर्ति बनानी पड़ती है, इसको जादू की भाषा में मूर्ति कहते हैं, इनको मूर्ति कहते हैं जादू की, जादूगर अपनी भाषा में। ऐसी मूर्ति बनानी पड़ती है, इसके अंदर से पहले से रुमाल होता है इस तरह से निकला हुआ, और इसको मोबाइल के लगा लिया जाता है। पकड़ते कैसे पहले स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में इसको ये ऐसे लगा करके, और ये बताते हैं कि ये नक्का है, ये सिरा मैं इसके अंदर से डाल रहा हूं, जबकि इसके अंदर से ना डाल करके वो नीचे से ले जाता है, और नीचे से ले जाकर के Hmm.
नीचे से ले जाकर के वो इसको खींचता रहता है और ये कपड़ा नीचे से आता रहता है और ऐसा लगता है ये कपड़ा मोबाइल के अंदर से निकल रहा है। ठीक है, अब ये मूर्ति बनेगी कैसे, ये कैसे बनेगी, इसको बनाने का क्या तरीका है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले कैसे आया करती थी, पहले ये कैसे आया करती थी, बाहर पड़ा है ना वही दिखा, ये देखिए ये कैसेट है और ये कैसेट का ढक्कन है, इसका ये कवर है, ये कवर है ना, ये देखो ये कवर है, ये कवर है, हमने ले लिया आधा कवर बना बनाया है और फिर हमने इसकी सहायता से इसको काट लिया। ठीक है, काटने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसको तपाएंगे, यहां से हम तपाएंगे, आग देंगे, गरम करेंगे, नरम करेंगे और फिर इसको मोड़ लेंगे। ये देखो ये मुड़ गई, मुड़ गई ना, जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इस सिरे को छोड़ देंगे यही, और फिर यहां से तपाएंगे। दूसरा सिरा तपा करके हम फिर मोड़ लेंगे। बस हमारी मूर्ति तैयार है, इसको काट करके आप दो कर लेना, पहले चाहे एक ही बना लेना या अलग अलग इस तरह से इस साइज में काट करके आप इसको बना लेना, आपकी मूर्ति तैयार है। फिर उसमें डाल के कैसे निकालते हैं, फिर रुमाल को आप पहले इसमें डाल लेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे, इसको छुपा लेंगे और ये नक्का आप इस तरह से दिखाएंगे कि ये देखिए मेरे पास रुमाल है और इस रुमाल को मैं इस मोबाइल में से निकालता हूं, जिस मोबाइल में से निकालने का दिखाना है वो मोबाइल दिखाए आप, और दिखाने के बाद में इसको इसके ऊपर रख दें मोटी को और अपनी अंगुलियों से इसको कस करके दबा लें। ठीक है, और इस सिरे को आप इसके अंदर भेजने के बाद में नीचे से निकाल लें। अब हम इसको सामने से रखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि ये मोबाइल के अंदर से निकल रहा है, रुमाल है वो मोबाइल के अंदर से निकल रहा है। आधे से ज्यादा निकलने के बाद में आप इसको इसके ऊपर डाल दें, इसके ऊपर डाल करके आप भले इसको अलग ले लें या चाहे तो आप और ज्यादा खींच करके इसको और इसको यहीं से अलग कर लें। बस यही जादू का रहस्य है, आगे फिर मिलेंगे एक नए जादू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।